Assalamualaikum, welcome back to my channel Food Kitchen 92. मैं हूँ मेरुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सी लाजवाब सी फ़िश पुलाव. आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए. कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है. ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे हमारी नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे. ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हमने 1.5 किलो फ़िश ली थी. 1.5 किलो फिश लेने के बाद हमने इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियां डाल दी हैं. 2 नींबू का रस निकाला था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें पानी डाल देंगे. ये देखिए, पानी डालने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे. फ़िश पुलाव के मसाला बनाने के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेती है यहाँ पर हमने, और इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, और 2 शिमला मिर्च लिया उसे भी ऐसे ही काट लिया. 400 ग्राम हमें फ्रेश दही लेनी है. 2 टेबलस्पून हमने गरम मसाला लिया है. 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला. 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर. 1 कटोरी भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है. 3 टीस्पून नमक लिया है. 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर. 1 कटोरी हरा धनिया. 1 इंच अदरक के टुकड़े के हमने लच्छे बना लिए हैं बारीक बारीक. 12 हरी मिर्चों को बीच में से काट लिया है. यहाँ 4 दालचीनी का टुकड़ा, 15 लौंग और 8-10 इलायची ली है. यहाँ पर हमने एक छोटा सा बॉल लिया है, उसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून जितना हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, और यहाँ पर हमने 5 या 6 चम्मच डाल दिए थे दही के. इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था पेस्ट को पतला करने के लिए, और 1 टीस्पून भर के हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना होगा ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया था जिससे अच्छा सा कलर आ जाए मसाले का, पेस्ट का. आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं पर हमने वो नहीं डाला, और कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती, इसमें कलर होता है, इसलिए हमने इसमें ये डाल दिया. अब हम एक एक टुकड़ा फ़िश का लेंगे और उसे अच्छी तरह से इस तरह से फिश पे मसाला लगा लेंगे. ये देखिए, अच्छी तरह से मसाला अंदर लग जाएगा अंदर तक. ये देखिए, सारे टुकड़े इसी तरह से लगा लेने हैं और 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेना है. जब तक हमारा ऑयल गर्म हुआ, फ़िश भी हमारी मैरिनेट हो गई है 15 से 20 मिनट के लिए. अब हम फिश को फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई. ये देखिए, फुल फ्लेम पे पका रहे हैं और एक बार में ही फ़िश को फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से. फ़िश को ज़्यादा नहीं चलाना वरना वो टूट जाएगी. पहले वो अच्छी तरह से पक जाए फिर उसको चम्मच से पलट लेना है दूसरी तरफ से भी. अब मैं दिखा देती हूँ कि फ़िश कितना फ्राई कर लेना है. ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से ज़बरदस्त सा फ़िश फ्राई कर लेना है. इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है अगर आप टेस्ट करेंगे तो. इसी तरह से हम सारी फ़िश के टुकड़े निकाल लेंगे और बची हुई फ़िश को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से. ये देखिए, बाकी फ़िश को भी फ्राई कर रहे हैं. यहाँ पर हमने 1.5 किलो बासमती चावल लिया था और उसे हमने 1 घंटे के लिए भिगा दिया था, और उसके बाद हमने इसको बॉईल कर लिया और 1 कन्नी जितना छोड़ दिया है. सिर्फ इसमें नमक डाल के बॉईल कर लिया था चावल को. जिस ऑयल में हमने फ़िश फ्राई की थी उस ऑयल को कम करने के बाद हम इसमें मसाले डाल दिए हैं, लौंग इलायची और दालचीनी. उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं. ये देखिए, सारी प्याज ऐड कर दी. प्याज ऐड करने के बाद जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे. पहले हम प्याज को सॉफ्ट कर लेते हैं.
ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे जो बचा हुआ था। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और फिर इसे भून लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए अदरक लहसुन भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये शिमला मिर्च, इसे डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, नमक हमने इसमें डाल दिया है और ये हल्दी पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर, नमक हम इसमें 1.5 टीस्पून जितना ही डाला है। ये देखिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालिए। मसाला जब हल्का सा भून जाए फिर हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। दही डालने के बाद भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें और फिर मिक्स करके ऐसे हम ढक के पका लेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसे चेक कर रहे हैं, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया, इसमें पानी नहीं है, ऑयल है और मसाला अच्छी तरह से बिल्कुल भुन चुका है। हम गैस को कर देंगे ऑफ। ये देखिए हमने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें हमने जिसमें फ़िश फ्राई किया था उसी का ऑयल हमने इसमें डाल दिया है 250 ml जितना, और उसमें थोड़ी सी जो हमने ग्रेवी बनाई है वो हम इसमें डाल देंगे नीचे। उसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल की परत लगाने के बाद, सारा चावल नहीं डाला, थोड़ा सा चावल डाला है, उसके बाद हम इसमें फ़िश की लेयर लगा देंगे, फ़िश डाल देंगे। ये देखिए फिश डालने के बाद अब हम इसमें ये ग्रेवी डाल देंगे जो हमने ग्रेवी बनाई थी। ग्रेवी डालने के बाद हम इस पे धनिया छिड़क देंगे, उसके बाद अदरक के लच्छे, गरम मसाला छिड़क देंगे, फिर बिरयानी मसाला, उसके बाद ये ऑरेंज कलर डाल देंगे, ग्रीन कलर डाल देंगे, ग्रीन कलर ऑप्शनल है, जो भी कलर हो आपके पास, आप बिरयानी का कलर वो आप डाल सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद हम इस पर चावल की लेयर लगा देंगे। ये देखिए फिर उसी तरह से जैसे हमने पहली लेयर लगाई थी, पहले फ़िश, फिर मसाला, फिर धनिया छिड़क देंगे, गरम मसाला, बिरयानी मसाला और फिर फूड कलर, इसी तरह से हम बिल्कुल कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है, अगर आपको लगता है कि ऐसे फ़िश टूट जाएगी, कर जाएगी, तो आप क्या कीजिए, आप फ़िश की लेयर मत लगाइए, सारे ऐसे ही मसाला डालिए, सब कुछ ऐसे डालिए, सबसे ऊपर फ़िश की लेयर लगाइए, आपके लिए वो इजी होगा। अगर आपको फ़िश नहीं निकाला जाएगा आपसे इस तरह से, तो आप फ़िश की बजाय इन सारी चीज़ों की लेयर लगाइए और फ़िश सबसे ऊपर लगा दीजिए। और अगर आपको उसमें भी दिक्कत है तो आप क्या कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि कांटे हो जाएंगे या मिक्स हो जाएगा चावल में, तो आप बोनलेस फ़िश लीजिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप उसमें बोनलेस फ़िश भी ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, ऐसे ही बिल्कुल बनेगी और मुझे प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे निकालने में लेयर की फ़िश पुलाव में, तो मैं इसलिए इसमें ऐसे लगा लेती हूँ। तो किसी भी तरह से बनाइए, बोनलेस फ़िश की बनाइए, सबसे ऊपर फ़िश रखिए, बाकी सारी लेयर लगाइए, जैसा आपका दिल चाहे आप उसी तरह से बना सकते हैं, जैसी आपकी सहूलियत हो वैसे। फिर इसके ऊपर हम चावल डाल रहे हैं एक पूरी लेयर लगाने के बाद। ये देखिए 2 लेयर लग चुकी है, ये तीसरी लेयर है।
और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसका, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए अपने घर पे। फ़िश पुलाव बहुत ही टेस्टी बनती है। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिश हमने फिर लगा दिया, ग्रेवी लगा दी, जो बचा हुआ ऑयल है वो सारा भी हम इसमें ऑयल डाल देंगे, बिल्कुल नहीं बचाएंगे। जो हमारी ग्रेवी में ऑयल था वो नहीं बचाना है, बिल्कुल लास्ट में आपको पूरा ऑयल भी उसमें डाल देना है ग्रेवी के साथ साथ। और धनिया छिड़क देनी है, जितनी बची हुई धनिया सारी धनिया छिड़क देनी है। थर्ड लेयर जो है ये सबसे ऊपर वाली लास्ट है ये। अदरक के लच्छे डाल दिए हैं, और ये गरम मसाला छिड़क दिया है, सारा गरम मसाला छिड़क दिया जो बचा था, और बचा हुआ सारा बिरयानी मसाला भी छिड़क देंगे। ये देखिए चावल को बॉईल करके हमने सब पहले इसलिए दिखा दिया कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इस वजह से चावल को इतना ही बॉईल करना है कि सिर्फ दम पे वो पक जाए, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल ऐसी ग्रेवी नहीं थी, पानी वाली हमने जब ग्रेवी बनाई थी तो उसका पानी बिल्कुल सुखा दिया था, बस उसमें ऑयल था और मसाला था। तो बिल्कुल चावल को इस तरह से बस भाप में पक जाए इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए कि गल जाए। तो उसी हिसाब से आप चावल को पका लीजिए, नमक डाल के, बस सिंपल नमक डालिए, थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए एक टेबल स्पून, फरारे चावल बन जाएंगे। अब इसे हम ढक देते हैं और 20 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। ये देखिए 20 मिनट हो गया है, बिरयानी अच्छी तरह से दम लग चुकी है, फिश पुलाव। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए थोड़े से चम्मच, छोटे चम्मच से मैं इसको निकाल रही हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब बनी है, टेस्टी। मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ, अब ये बन के बिल्कुल रेडी है। ये देखिए फिश पुलाव बन के रेडी है, बहुत ज़बरदस्त रंग है इसका, ग्रीन ऑरेंज, बहुत ही प्यारा लग रहा है। फ़िश भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, बहुत ही मसालेदार फ़िश पुलाव बन के रेडी है, और मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा है, बहुत ही टेस्टी है। मैं टेस्ट करने जा रही हूँ इसे, आप भी इसे ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए, रिश्तेदारों को खिलाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। अगली रेसिपी में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।